तो बावलोग अभी बात करेंगे कोडेक्स के बारे में, जिसके पीछे पूरी मार्क आर्ट वेनम द लास्ट डांस मूवी में लगी पड़ी है। ऑल्सो एक वेनम मरा तो बदले में दो वेनम देकर गया, उस पर भी बात करेंगे, वो भी अलग अलग यूनिवर्स में, जहां स्पाइडरवर्स एंड एमसीयू कनेक्शन का ब्रीफ क्लोजअप भी देखेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि नल अब आजाद कैसे होगा भला, क्योंकि वेनम तो मर चुका है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि वेनम और नल के फ्यूचर प्लॉट से रिलेटेड काफी बातें हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं बाबा, लेकिन जरा भी काम पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। तो बाबा सबसे पहला सवाल, व्हाट इज कोडेक्स एंड व्हाई नल नीड दिस फकिंग सीन। तो ये मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि नल कौन है और क्यों कैद है और किसने कैद किया है। तो बाबा नल डार्क लॉर्ड है और अब उसे होना है आजाद, जिसे उसके ही क्रिएशन सिम्बियोट्स ने कैद करके रखा है क्लिंटार जेल में, जिसे सम टाइम प्लेनेट भी कहते हैं। तो नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स नाम की चाबी चाहिए, जो वेनम एंड एडी के पास है। कैसे? तो वेनम के फर्स्ट पार्ट में एंडिंग फाइट सीन याद होगी आपको, जहां एक सिम्बियोट से लड़ा था अपना ये बंदा, अपना वेनम, जिसका नाम रियोट था, जो मैंने वेनम के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में कंफ्यूजिंगली कार्नेज को बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी यहां पर। तो बाबा इस फाइट में अपना एडी मर गया था, जिसे रियोट ने मार दिया था, एंड देन वेनम जब इससे जुड़ता है तो एडी वापस जिंदा हो जाता है। और ये एक मोमेंट था आज वेनम द लास्ट डांस में इस डिस्ट्रक्शन को लिखने का। हालांकि हैप्पी मोमेंट ये था कि अपना हीरो वापस मिल गया था हमको, लेकिन उस एक मोमेंट से पूरे यूनिवर्स खतरे में आ गई। तो उस जिंदा करने वाले प्रोसेस में कोडेक्स का इजाद हुआ था, जो तब ही एक्टिव होगा जब एडी एंड वेनम एक साथ होंगे, यानी अपने एक्चुअल वेनम के रूप में, जो हमें मूवी में भी एक्सप्लेन करा गया है। दैट्स व्हाई कि नल के भेजे जीनोफेज को ये कोडेक्स चाहिए था, और इसलिए भी हमें वेनम थर्ड में वेनम का एक्चुअल रूप ज्यादा देखने को भी नहीं मिला, वरना वो डिटेक्ट हो जा रहा था बार बार। लेकिन एंडिंग फाइट में हमने देखा कि वेनम ने फिलहाल अपने आप को खत्म कर लिया है, और अभी के लिए नल को कोडेक्स नहीं मिल पाएगा। तो क्या आगे जाकर कभी नल आजाद ही नहीं होगा? बाबा होगा, जरूर होगा। उसके लिए दो पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, एक जो ये मूवी वाले जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उस पे, और एक जो ऑलरेडी कॉमिक किंग इन ब्लैक में मौजूद है, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन में नल ने खुद डिक्लेयर भी कर दिया कि आई एम द किंग इन ब्लैक और तुम्हारी दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो पहले इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक बाद में। जहां नल पागलों की तरह अपने आप में लास्ट में जो बड़बड़ा रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा इसकी माँ का फलाना ढिमाका वगैरह 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 जो भी, तो किसी को तो ये बातें बोल रहा होगा, अपना नल इतना ही बेवकूफ नहीं है कि अपने आप में ही बड़बड़ाएगा। बाबा एक कनेक्शन सेट होता है, अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी वेनम जो अपना सिम्बियोट का टुकड़ा अर्थ 616 में छोड़ आया है वो एमसीयू वाले दुनिया में, वो बाबा अपने एमसीयू वाले स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड वाला उससे जुड़ चुका होगा, और अपने स्पाइडी बाबा को ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है आखिर। तो बाबा ये कॉमिक में भी है, बहुत लंबे समय तक वेनम स्पाइडरमैन से जुड़ा हुआ रहता है और उसे एहसास भी नहीं होता है। तो ये अर्थ 616 में जो वेनम सिम्बियोट छूटा है, ये थ्योरी वहां सेट होती है। दूसरा, जिस हिसाब से नल अपने जीनोफेज को भेज रहा है तो वो मल्टीवर्स करने वाला है पक्का, जो एमसीयू में भी आएगा डेफिनेटली। नाउ बैक टू द पॉइंट कि नल आजाद कैसे हो सकता है। देखो कॉमिक किंग इन ब्लैक की बात माने तो वहां कोडेक्स का झंझट अलग हिसाब का है, जहां बताया जाता है कि कोई भी सिम्बियोट जब अपने होस्ट को छोड़ता है तब उस सिम्बियोट का छोटा सा पार्ट उसी होस्ट में रह जाता है जो कोडेक्स का काम करता है। और कॉमिक में नल वेनम को मार के एडी से अलग भी कर देता है, जहां एडी का शरीर में वो कोडेक्स भी रह जाता है, और बाद में जब उसका बच्चा होता है तो एक हाफ ह्यूमन हाफ सिम्बियोट का कॉम्बो पावरफुल न्यू सिम्बियोट बींग में बनता है, जिसका नाम डिलन ब्रॉक रखा जाता है, और यही बंदा बाद में आगे जाकर नल को मारता है। लेकिन बाबा मूवी में मामला ट्विस्ट कर दिया है, कोडेक्स बनाने का तरीका ही बदल दिया यहाँ पर, और ऑलरेडी वेनम जो अपने दो टुकड़े छोड़ चुका है, जो एमसीयू में एक स्पाइडरमैन के पास जाएगा, दूसरा जिसे सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा वो क्रॉकरोच, जिसके जरिए दोबारा से एडी को वो वेनम मिल जाएगा अपना, थोड़ा ग्रोन अप होकर विद सम ऑफ न्यू फास्टर पावर, क्योंकि तुमने देखा होगा उस क्रॉकरोच में एग्नी की फास्ट पावर भी आते नजर आई है, और वो आगे जाकर वेनम के टुकड़े से जुड़ जाएगा। तो बाबा वेनम मरा नहीं है और अपना एडी भी अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, जो एक फाइन रिपोर्टर है, जो एक न्यूज चैनल को भी ज्वाइन कर लेगा, सिंपल है, और फिर उसका मिलन आगे जाकर स्पाइडरमैन से भी हो जाएगा, लेकिन कीप इन माइंड एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से, क्योंकि एसएसयू की कहानी है ये, जो आगे अब वेनम का कैरेक्टर सोलो तो नहीं आ पाएगा पर स्पाइडरवर्स में बार बार हमें देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि नल आजाद कैसे होगा भला, क्योंकि लास्ट में जो डींगे हाकी हैं उसने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा,
सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, तो बाबा उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा। देखो एमसीयू से कहीं से उड़ता उड़ता सुनने में आया था कि स्पाइडरमैन 4 में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडी मरेगा और तब वेनम उसे जिंदा करेगा। तो देखो वहां भी कोडेक्स ईजाद हो जाएगा अगर सच में स्पाइडी को मारने का प्लान है। तब दूसरा, एडी और वेनम के पास तो कोडेक्स ऑलरेडी है। तीसरा, अपनी डॉक्टर पेन के पास भी एक सिम्बियोट आ चुका है, वो स्पीड वाला जिसका नाम एग्नी है, जिसके पास फ्लैश जैसी स्पीड पावर है। तो देखो कोडेक्स यहां से भी इजाद हो जाएगा, हो ही जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली नल को आजाद करने के लिए कोडेक्स शायद डॉक्टर पेन से ही लिया जा सकता है, क्योंकि एडी और वेनम को दोबारा नहीं मार सकते, इनकी लेगेसी ये लोग खत्म नहीं कर सकते। एमसीयू वाले टॉम हॉलैंड की लेगेसी नहीं खत्म कर सकते और इधर एसएसयू वाले एडी ब्रोक की लेगेसी खत्म नहीं कर सकते। तो शिकार अपनी डॉक्टर पेन ही बनेगी और अगर वो मर भी जाएगी तो किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो नल यहां से आजाद होगा, उसके बाद तबाही मचाएगा और जिसने कीन ब्लैक कॉमिक पढ़ी है तो बाबा बंदा वो जानता होगा कि नल क्या तबाही मचाता है आगे जाकर, जिसे रोकने के लिए सारे सुपर हीरो आ जाते हैं मार्वल के, पर उन सबको बीट कर देता है ये बंदा सेंट्री, जो मार्वल का सुपरमैन माना जाता है, सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल। उसे नल दो हिस्सों में फाड़ के रख देता है। तो देखते हैं आगे नल का इस्तेमाल मेकर्स कैसे करते हैं और ये कितनी तबाही मचाएगा। तो बाबा दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की बात यही खत्म करते हैं। बाकी आगे स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी और भी बातें करेंगे, नल एंड वेनम से जुड़ी और भी बातें करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, कुछ मिस्टेक हो रही हो या गलती से कुछ अंटसंट हो गया हो तो वो भी करेक्ट कर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।